हम यहाँ पे आ चुके हैं सुजाता चौक मेन रोड रांची दोस्तों, और यहाँ पे हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम आ चुके दोस्तों पद्मिनी हॉस्पिटल, आपको सामने से मैं दिखा रही हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, सुमो ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे। चलिए, ये देखिए सोनू जा रहा है। सोनू भाई, ठीक आना? हाँ ठीक। तो हस्बैंड भी चले गए हमारे, हस्बैंड जी, और सोनू भी घर चला गया, और चलते हैं। अगर हमें फिर कभी जाना हो तो जाऊंगी मैं घर। और आज है 18 तारीख है, और 18 तारीख का दोस्तों दिन है बुधवार, और अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। सोनू लोग तो चले गए, नाश्ता भी हमारा हो चुका है, तो नाश्ता में बनाए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं तैयार हो गए हैं एकदम, खा पी करके नाश्ता वास्ता, और फिर सोनू का ट्रेनवा छूट गया। ट्रेनवा तुम्हारा छूट गया जी, हम बोले थे ना कि शाम को चलना है, तो हम जा रहे हैं चश्मा बनाने के लिए। चश्मा जो है ना पूरा एकदम, चश्मा बिना मेरा एकदम आँख न कर रहा है, और फिर लाइव में बैठने से ये देखो एकदम टेढ़ा हो गया, इसको इसीलिए सीधा बनाना है। और जैसे मैं सो करके कभी ना सोती हूँ ना, तो ऐसे सो जाते हैं, और उसको पहने पहने ही सो जाती हूँ, इसीलिए ये टेढ़ा हो चुका है, तो इसको बनवाना है। तो दोस्तों तैयार सैयार हो गए हैं, चलते हैं हम अपना चश्मा वगैरह बनाने। ये देखिए आज का भाई आज का कपड़ा हमारा ये है, वह कुर्ती है, डाल दी का कुर्ती है ये देख। ये देखिए हमारे रास्ते इस तरह से हो गए कचकच वाली, एकदम इतनी बारिश हुई है ना, बाप रे बाप। मैं फिर से आ गई। अब कैसे चश्मा बना दिए थे भैया, हैं? पूरा दीवार एकदम ऐसा दिख रहा था कि कहना ही नहीं है। तो बहुत पहले दिखाए थे दोस्तों, एक डेढ़ साल, यानी कि एक डेढ़ साल हो ही गया ना भैया, एक डेढ़ साल हो गया था ना इस चश्मा को बनवाए हुए। तो भैया बोल रहे कि आप देखवा लो थोड़ा सा, आपको आँख में कंकड़ जैसा लग रहा, तो दिखाने नहीं ठीक है ना एक बारी। तो हम लोग जा रहे हैं दिखा लेते हैं डॉक्टर के पास में, और कहाँ चलते हैं कौन सा हॉस्पिटल में वो भी हम दिखाएंगे आपको। फिर यहीं आना पड़ेगा भैया, तो तुरंत बन जाएगा ना कि कैसे? नहीं, बाद में चश्मा, एक दिन, एक दिन समय लगेगा। हाँ, तो ये तो फ्रेम हुआ यही में ना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं सुजाता चौक मेन रोड रांची दोस्तों, और यहाँ पे हमें दिखाना है आँख के लिए, ठीक है? आँख के डॉक्टर के पास आई हूँ यहाँ दिखाने के लिए, और ये देखिए। कल्याण ज्वेलर, और ऐसे मैं दिखाई थी कश्यप हॉस्पिटल में एक दो साल पहले ना, आगे। चुके दोस्तों यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही होगी, तो भाई आप इग्नोर कीजिएगा और देख लीजिएगा, यहाँ पे आए हैं दिखाने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी, अगर आप जान रहे होंगे तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों? तो कैसा लगा ये भी बताइएगा जरूर दोस्तों। यहाँ पे
हमारा तो दवा वा हो गया, दिखा लिए डॉक्टर से, ठीक है, दिखा करके जा रहे हैं। और यहाँ के टाइमिंग है, और क्राउड ज्यादा लग रहा है, यहाँ का टाइमिंग है, देख सकते हैं श्री पद्मिनी, क्या है जी, कौन सा हॉस्पिटल है, देखिए ना, कौन सा हॉस्पिटल है, तो सो दोस्तों यहाँ पे आपकी टाइमिंग है ना, आप 10 बजे आओ और 10 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आपको दिखाना है तो आ करके दिखा सकते हैं। जाता चौक से आइए, जस्ट ऐसे जाता चौक से ही आना पड़ेगा यहाँ पे इस हॉस्पिटल में। लेकिन चलो सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से देखे भी और हमारी जल्दी सी हो भी गई, ज्यादा भीड़ तो नहीं है। ये देखिए कल्याण ज्वेलरी से, कल्याण ज्वेलरी से आपको सीधे यहाँ पे चले जाना है ये वाला रूट में, और थोड़ा सा आगे 5 मिनट मतलब 10-5 कदम दूरी पे है हॉस्पिटल, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, और सुजाता चौक से आगे है राज हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल यहीं पे है। तो मैं चलती हूँ घर, दिखाओ खा करके, अभी 1 बज गए हैं, समय के 1 बज चुके हैं। और हमारे पतिदेव जी का ट्रेन ही छूट गई है, ट्रेन छूट गई आपको हमारे आँखों दिखाने के लिए, आँख को देखा दिखाने के लिए, ऐसा लग रहा है चलो कोई काम हुआ ना, कोई काम हुआ ना, हाँ। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं मेन रोड से, सुजाता चौक से निकल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं घर, और छुट्टिया में सीधे मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ के हम लोग ना चश्मा बनवाए थे, और एक बारी जो हमारा जो पहला चश्मा था जो कश्यप हॉस्पिटल से मैं बनवाई थी, मतलब कश्यप हॉस्पिटल में देखा थी कश्यप से, और अभी कहाँ दिखाए थे भैया पर आई हॉस्पिटल दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो गई, और थोड़ा सा हम भैया से जानकारी लेते हैं, ये हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भैया थोड़ा सा आप हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए ताकि ऑडियंस कहीं पर भी रहे। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा से जाता चौक में है, कल्याण ज्वेलर्स के, कल्याण ज्वेलर्स के बगल में आई हॉस्पिटल है। हाँ तो वहाँ बहुत अच्छा सर भी मिले, अगर चश्मा दुकान हमारे द्वारा जाइएगा तो वहाँ फी नहीं लगता है, 550 रूपए फी लगता है। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको सारा वहाँ इलाज होता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा, और फी तो 550 रूपया दोस्तों। तो चलिए चश्मा अगर बनवा लूंगी उसके बाद मैं दिखाती हूँ। और हाँ बोले हैं कि भाई चश्मा आप कंटिन्यू रखो, तो ठीक है कंटिन्यू नहीं पहनने से दिक्कत हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएगी, नहीं तो आने वाला समय में आपको दिखेगा ही नहीं। तो देखने के लिए भाई चश्मा कंटिन्यू होनी चाहिए, तो ये डॉक्टर बोले हैं, दवा वगैरह भी दी है। तो यहाँ पे चश्मा वगैरह तो बनाने के लिए दे दिए हैं, और शाम को बोले हैं, शाम को भैया बोले कि 5 बजे आ जाइएगा यहाँ। तो ये देखिए हमारी गाड़ी, हम आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद में देखिए अभी ना 3 बजने वाली है, खाना भी नहीं बना हुआ है, नाश्ता ही करके गए, और अभी तक 3 बज गई है, 3 बजने वाली है, और बहुत भूख लगी है, कपड़ा भी धोना है बहुत ज्यादा। एक काम करके आप ना जाना तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है।
ये हमारे जैसे कि हम गए थे ना हॉस्पिटल आई दिखाने के लिए, अपने आंख दिखाने के लिए, और पूरा एकदम जलन दे रहा है और ऐसा पूरा लग रहा है ना कि क्या ही बोले, एकदम कंकड़ की तरह लग रहा है मेरा। तो ये देखिए डॉक्टर ने ड्रॉप दिया है 4 बार डालने के लिए, और इसमें दवा भी है खाने के लिए विटामिन की। तो ये देखिए इतना इतना मिला है विटामिन के खाने को दवा, और चश्मा भी आ गई। हमारे पतिदेव जी चश्मा भी ले आए, मैं खोल के दिखाती हूँ। खोलिए जी, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ये चश्मा आई है और मैं एक इसको पहनती हूँ। वो पहले वाली हमारा दूसरा चश्मा था जो कि मैं ना ये नहीं ट्राई कर रही थी, मैं पहन नहीं रही थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि पहनना ही पड़ेगा। डॉक्टर पूरा डांट रहे थे कि आप पहनो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपका, ऐसे बोल रहे थे। तो आपको कंटिन्यू पहनना पड़ेगा, हमेशा ऐसे करके चश्मा लगाना पड़ेगा। गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, खुद है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काले चश्मा, लेकिन हमारे आंख में दिख नहीं रही है, प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा, बताइएगा कि हमारी चश्मा कैसे लगी। ठीक है, और बस आज का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? चलिए अच्छे होंगे, और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है बृहस्पतिवार, और आपने देख सकते हैं कल तो गाड़ी छूट गई थी लोगों, बाबू लोगों को। का जी आज भी छूटेगा का? ना आज नहीं छूटेगा। तो हम जल्दी जल्दी में इन लोगों को ना बना करके छिलका रोटी दे रही हूँ, देती हूँ, जो कि गर्मा गर्म खा के चले जाएंगे। और ऐसे भी नाश्ता करके नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा काम धाम हो गया, नहाना धोना भी रेडी शेडी हो गए, पूजा पाठ भी हो गई, और भाई आजकल ना पोछा अच्छा भी नहीं लग रहा है क्या आप? तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारे पतिदेव जी कर लिए और गाड़ी भी निकाल दिए, दीपू को उठने के लिए बोल रहे जो उठ जाओ उठ जाओ, तो वो तो उठ नहीं रहा है। फिर यहाँ से जाएंगे और ओवर ब्रिज के पास अपना गाड़ी छोड़ देंगे विनोद भैया के घर। चल 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 फिर लेट हो जाएगा, फिर मतलब क्या बोलते हैं? 8 कितना बज गया? 8:30 बजने वाला एकदम साफ सफाई करना होगा। ये देखिए, मतलब जो ये जो टाइल्स ना लगा करके बहुत गलती कर दी है, क्योंकि टाइल्स लगाना ही नहीं चाहिए था मुझे। और टाइल्स तो दोस्तों आज अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ की मैं चश्मा बनाई थी और जिस डॉक्टर से मैं दिखाई थी वहाँ, ठीक है, तो रांची मेन रोड सुजाता चौक में ये हॉस्पिटल पड़ता है, पद्मनावा आई हॉस्पिटल। तो आप जा करके दिखा लीजिए, वहाँ पे सर्विस बहुत अच्छा लगा। और मतलब ना हम यहाँ जो कि दिखाए थे, और हमारे बगल में जिनका मैं दुकान में गई थी ना, तो इनका हमारे दिन खरीदे हुए जस्ट इधर उधर सामने में ही है, तो उन्होंने पहले बहुत पहले ही यहाँ मिले थे, तो उन्होंने बातचीत करते करते ऐसे हुआ, तो वो बोले कि हमारा चश्मा वाला दुकान है, तो उन्हीं से मैं मतलब अब भाई पड़ोसी हैं तो भाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पड़ोसी हैं तो भाई चलो तो गए। और आप जा करके एक बारी विजिट करिएगा, बहुत अच्छा लगा। और मतलब ना इनके माध्यम से गए थे तो अच्छा ही लगा था। तो आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ना लगा, वो भी बताइएगा। तो हम लोग तो गए तो इनके माध्यम से, और इनका जो फीस था ना 550 रुपया फीस था, और बहुत अच्छा, मतलब जो सर भी थे गुप्ता जी, PSP गुप्ता डॉक्टर भी थे, और मतलब ना उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जा करके आप देखिए, बहुत अच्छा लगने वाला है,
हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था और मैंने पूछा था कि मतलब मैं सूट करूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं करी, तो चलो अपना